नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco F3 GT वर्सेस LG Velvet का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco F3 GT में 6.37 इंच जबकि LG Velvet में 6.58 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco F3 GT में 3.03 इंच जबकि LG Velvet में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco F3 GT से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco F3 GT में 0.33 इंच जबकि LG Velvet में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco F3 GT में 205 ग्राम जबकि LG Velvet में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Poco F3 GT में AMOLED जबकि LG Velvet में की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Poco F3 GT में 20:9 जबकि LG Velvet में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco F3 GT में 6.67 इंचेस जबकि LG Velvet में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco F3 GT में 1080x2400 और LG Velvet में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco F3 GT में 86.27% जबकि LG Velvet में 88.81% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco F3 GT में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और LG Velvet की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco F3 GT में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और LG Velvet की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco F3 GT में Mali-G77MC9 जबकि LG Velvet में Adreno 630 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco F3 GT में MediaTek Dimensity 1200MT6893 और LG Velvet में Qualcomm Snapdragon 845 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco F3 GT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि LG Velvet में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco F3 GT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि LG Velvet में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco F3 GT में नहीं है, जबकि LG Velvet में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco F3 GT में Android V11 जबकि LG Velvet में Android V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी Poco F3 GT में 5065 mAh जबकि LG Velvet में 4300 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
पोको F3 GT में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें LG Velvet की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 32,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Poco F3 GT में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें LG Velvet की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Poco F3 GT आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Poco F3 GT आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo EQ7 है जो कि 31,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Poco F3 GT है जो कि 26,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme X7 Max है जो कि 27,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord से 5G है जो कि 27,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।